हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। ये छोले बनाने के लिए मैंने लिए है एक बाउल छोले, उसमें रात को मैंने भिगोए थे और सुबह उठकर 15 मिनट पहले मैंने टी बैग डाल कर रखे हैं। उसके साथ हमें चाहिए एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक या डेढ़ ले सकते हैं, टमाटर प्यूरी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हींग और छोले मसाला, और उसके साथ हल्दी, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, और तड़के के लिए मिक्स स्पाइसेस चाहिए, और लास्ट में कसूरी मेथी। भटूरे के लिए एक कप मैदा, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच ऑयल, कौन सा भी तेल, और पानी जिसमें मैंने बर्फ डाल के रखा है, चील वाटर चाहिए। सबसे पहले छोले बॉईल करके लेंगे, इसमें थोड़ा पानी और टी बैग भी ऐड करना है। थोड़ा नमक ऐड करेंगे और कुकर में 10 मिनट के लिए उबाल, एक दो सीटी जैसे नॉर्मली उबलते। इस तरह 2-3 सीटी के बाद मैं 10 मिनट हो चुके हैं, तो गैस बंद कर देते हैं। सारे खड़े मसाले डालने हैं, फिर प्याज, यार थोड़ा हाई फ्लेम पर थोड़ी हल्दी, एक दो मिनट बाद अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून हमारा ब्राउन थोड़ा होने को आ रहा है, तो इसमें हम टमाटर प्यूरी में 1.5 टमाटर की बनानी है। थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे तो इसका कलर दे जाएगा। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए रखना है। 2 मिनट बाद अच्छे से तेल प्याज और टमाटर को छूटेगा, उसके बाद हम दूसरे मसाले मिलाएंगे। अच्छे से तेल छूटा है, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच,
హాఫ్ అవర్ 1 టీ స్పూన్ వేసుకొని చల్లండి. మిర్చి పౌడర్ 1/2 చమ్మచ్. पानी में मिक्स करके डालना है. उसके बाद छोले मसाला 2 चम्मच. टी बैग के वजह से ये ब्राउन हो चुकी है. और इसमें उसका बचा हुआ पानी. पांच मिनट पानी चाहिए तो अब भी मिलाना है. और चाहिए थोड़ा पानी अभी से मिला के रखेंगे क्योंकि बाद में नहीं ऐड कर सकते. लास्ट में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे. मिर्ची पाउडर गरम मसाला था तो नमक थोड़ा. मीडियम या स्लो फ्लेम पर रखना है. 5 मिनट बाद छोले तैयार है. इसका टेक्सचर इतना अच्छा आया है, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा लगता है. लास्ट में हम लोग इसमें कसूरी मेथी इस तरह क्रश करके डालेंगे. इस तरह तैयार है हमारे छोले. गार्निशिंग के लिए प्याज और मिर्ची डालेंगे. तो देखते हैं अब भटूरे के लिए हम मैदा लेंगे. दही डालेंगे. और आटा गूंदेंगे. पहले अच्छे से मिक्स कर लेना. उसमें चिल वाटर, जितना वाटर ठंडा होगा पानी उतने अच्छे क्रिस्पी भटूरे बनेंगे. दस मिनट के लिए छोड़ देना है. चाहे तो इस पर थोड़ा गीला कपड़ा रख सकते हो या ढक कर रख सकते हो 10 मिनट के लिए. अब
गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाल के रखा है। करेंगे भटूरे गोल या अंडा कोफ्ते बना सकते हैं। तेल में छोड़ देंगे। दूसरा भटूरा बनाएंगे। एक कप में चार या पांच बन सकते हैं। थोड़ा दही मिलाने की वजह से अच्छे से क्रिस्पी और पूरी की तरह फूले हुए हैं। गैस बंद करना है। इस तरह से तैयार हो गए हमारे भटूरे। इस तरह तैयार है हमारे छोले भटूरे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।